अच्छा थैंक यू हरी एक लाइन कौन नहीं हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के अभी इस शहर का क्या नाम है कर्नूल कल रात को यहाँ पर थोड़ा लेट ही पहुँचे थे हाईवे के ऊपर ही होटल मिल गया आज धूप गर्दी काफी लेट हो गए हम करीब 150 से 200 किलोमीटर हम लोग चलने वाले जहाँ हम लोग रात को रुके थे ये शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है इस फॉरेस्ट का नाम नल्ला मल्ला फॉरेस्ट चलते चलते आगे हैं नल्ला मल्ला फॉरेस्ट और इसके अंदर जंगल सफारी भी होती है और ये नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व इस जंगल के अंदर बांस बहुत ज्यादा है बांस 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 के पेड़ है सारे भरा है बांस के पेड़ों से जंगल था इतने ज्यादा बांस के पेड़ हमने आज तक किसी जंगल में नहीं देखे ये तो साफ सफाई कर रहे हैं जंगल के अंदर बांस का पेड़ है इन्होंने सही शेप दे रहे हैं और जो आग लगती है ना वो ऐसी लगती है जब इतने सारा झुंड है आपस में तेज आंधी से ऐसे 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 टकराते हैं तो आग लग जाती है सारे सारे आवाजें कर रहे हैं आपको इसमें नहीं सुन रही होगी गाड़ी चलती है आज हमारी शादी को पूरे 11 साल हो चुके हैं 2012 के अंदर हुई थी आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी 2012 को हमारी शादी हुई थी इस खुशी के अंदर हम इन जंगलों के अंदर घूम रहे हैं जंगलों पूरे दिन से मतलब घुमा ही रही है गाड़ी में 2-3 दिन से लगातार चल ही रही है आज कोई कुछ भी खास खुश भी नहीं है सेम ही है जैसे कल चल रही थी वैसे ही आज चल रही है हमने सोचा नहीं था कि शादी के 11 साल बाद में इस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों के बीच में घूम रहे होंगे और हमारे साथ में ऐसे बच्चे भी होंगे बच्चे भी होंगे तो यही सोचो कि अकेला घूमते हैं जंगली बंदर है ले जाओ उठा के ध्यान है अच्छा आके नीचे जा सियो मैं आजा ले पत्थर चुग ले ही तो ले ही अजना ही मुंह काला कर रखी है नी यहाँ पे लोग भैंस बहुत ज्यादा रखते हैं हम लोग जा रहे हैं श्री शैलम यहाँ से 50 किलोमीटर है लगातार सफेद सुंदर इस एरिया में ना पशुधन बहुत रखते हैं सारी देसी नस्ल की गायें इस साइड में अमेरिकन या फिर दूसरी विदेशी नस्ल देखी नहीं है या तो गाय है या भैंस है जंगलों के अंदर दो चार घर वाले छोटे छोटे गांव हैं जगह नहीं है फेंक के अन्य जगह बेचने लग रहे अड़वी चिंता बड़ा क्या करना है ये अंडमान में मिले थे तब ये ऐसे फेंक के आ गई थी ना बस नहीं बढ़िया नहीं दो चार लेके भी आए थे फिर फोड़ फोड़ के खेल रहे हैं कोई मतलब ही नहीं यू क्या यूज क्या है जॉइंट पेन के पाउडर करके लगाने का है और जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा और वो कह रहे थे मंगोली में मालिश करते है शादी के टाइम ये कह रहे हैं ये शुगर में काम होता है जड़ी बूटियां रख रखे जंगल के अंदर है तो ये लोकेशन का क्या नाम है एक्चुअली यहाँ पर श्री शैलम हम लोग आ गए हैं 7 किलोमीटर और है और श्री शैलम में मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है लेकिन उससे पहले 7 किलोमीटर आज हम लोग आए हैं तो सोच रहे हैं फिर देखें पालधारा भी आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर शिव नंदन हारी पुस्तक लिखी थी पालधारा पंचधारा वाह गजब है ठंडा ठंडा यहाँ से जल लेकर के जाते हैं लोग बोतल भर के इतना पवित्र है
क्योंकि यहाँ पर अंदर से जो पानी आ रहा है इसके अंदर कोई बहुत बड़ी नदी या स्टोरेज है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फिर भी यहीं से आ रहा है, इसी ऊपर तो पार्किंग है और यहाँ बीच में अभी पानी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे लग रहा है बारिश के टाइम में वहाँ से भी आता होगा। महुआ दारू बनाई हूँ, देखो देखे थे ना अरावली की फाड़ियों के अंदर, देखे थे कुमलगढ़ के पास महुआ सुखा के बेचते हैं। ये क्या है? कस्तूरी। कस्तूरी है? अच्छा ये तो सीरन की, किसकी? नाभी में से। किसके? ओरिजिनल है भाई साहब ये ओरिजिनल कस्तूरी, जो हिरण के किसके पेट में? हिरण के ना, मेल के। पहले के टाइम में लोग इसको कपड़ों में लगाने के लिए रखते थे ना, सेंट की तरह। ये लो, ये हिरण को मारे बिना नहीं मिल सकती ना, पेट में से निकालते हैं और नाभी में से हिरण के पेटों से निकले गए। नाभी 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 है ना, साइड आता, साइड में होता है। अच्छा साइड में होता है। आप कहाँ से है? रास्ता चंदन है ये, खेल नहीं कोनी मन तो यार इतने ज़्यादा कुछ वो भी जगह आपा किसी रोज के काम में ले। चंदन असली है या नकली अभी पता चल जाएगा। इसको हम लोग घिस रहे हैं एक पत्थर के ऊपर। कहाँ से लेके आते हो ये? जंगलों में आ जाते मिल जाते हैं। केबिंग की बात तेज ले के आ गया, नहीं सुना फोन ले यार तेज ले। ओरिजिनल है क्या? हां ओरिजिनल भाई, इधर स्टैंप देखो। स्टैंप भी लगा है इस पे? स्टैंप लगा हुआ है ये, देव स्टैंप वाली देव। तो ये देखो ये रस्ट जितनी ब्लैक हुए मन लगा इतनी ज्यादा अच्छी होती है। एक और दे दो फिर, इतना सारा चंदन क्या करेगा? कीमती है, मिलने को नहीं ढूंढने तो, बेर होएगी। ओ आप इत तो भेड़ो ले जाओ, कोई पुलिस वाला रोक लेगा रास्ते में। तो मतलब सोचा खाने की यही तो झूम रहे हैं ना। ये तुलसी की माला है सिया के लिए। ऐसी दुर्लभ चीजें ना कई बार ऐसे होता है ढूंढते हैं तो भी नहीं मिलती। ये हम लोग आ गए श्री सेलम, आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ पर भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो वो तो दर्शन करेंगे हम कल। कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर है और आज हमारी एक दिक्कत हुई, हमें रूम नहीं मिल रहा था, इतनी सारी धर्मशालाएं हैं फिर भी। तो ये पाताल लोक की तरफ यानी कि कृष्णा नदी के किनारे की साइड में एक धर्मशाला के अंदर इतना बड़ा कमरा मिल गया 1900 रुपये के अंदर। मैंने आपको बात बताई थी ना, हम लोगों ने गेहूं का आटा मिनिमम से मिनिमम, गेहूं चावल कम खाते हैं और मैं हमेशा कोशिश ही करता हूँ ज्वार का या मोटे धान वाला अनाज वाला आटा ले जाता हूँ, काफ़ी दिनों से ऐसे चल रहा है। और हमारी आज शादी की सालगिरह है तो चूरमा बना के खाएंगे। सुबह से हमें सिर्फ गाड़ी में बिठाया और यहाँ ला के उतारा। इतनी अच्छी यात्रा हुई आज। हमें घर वाले पूछ रही है फोन करके भाई कि आपको आज तो आपने कुछ स्पेशल किया होगा। सुबह बिठाया था अभी उतारा है, रोज चलते हैं उससे ज्यादा टाइम। ठीक है, वाह चूरमा बनाया बनाया। अच्छा थैंक यू। थारी एक लाइन कौन नहीं दिन का चुटाई दिए सरप्राइज चंदन की लकड़ी। हमारा एकदम मतलब छोटा सा गांव है, मेरा गांव है जो मतलब एकदम गांव टाइप में है, तो एकदम गांव की तरीके से हुई थी, एकदम घूंघट में। हमारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी शादी के टाइम में। तेरी कौन होगी? मैं तो गुणाई हूँ। मतलब 21.5 साल आजकल ही उम्र में को नहीं करे, आजकल थोड़ा बड़ा हो गया करे, भी टाइम में आपनी छोटी, मेरी 18 और थारी 21।
जो गवर्नमेंट का रूल है ना पूरा फॉलो किया हमने 18 और 21 वाला। चलिए ठीक है, अब आपसे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और करीब 11 साल का ये टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला, इतनी सारी यात्राएं हो गई और अभी और कितनी सारी होनी बाकी ये पता नहीं। और ये कुछ फोटो है और ये फोटो और होगी। चलिए थैंक यू। अब सिया को मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कह रही है आपकी शादी की कहानी सुनाओ पापा। शादी की नहीं, जब छोटे थे तब की। छोटा था तब की? हाँ। चलो छोटा था तब की कहानी सुनाऊंगा। अलग अलग। हाँ। ठीक है।